मैंने सुना है कि उड़िया सिनेमा एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइव हो रहा है। जो अपनी मातृभाषा को जानते हो वो परफॉर्म करेंगे तो उसका मज़ा अलग ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगे कि नहीं, जैसे साउथ इंडियन फिल्म में बहुत सारे हिंदी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हो ही सकता है। मेरा ख्याल है आने वाले समय में रीजनल सिनेमा इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। हर स्टेट का अपना अपनी लैंग्वेज का सिनेमा बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा थिएट्रिकली, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाए इस बात को लेकर के तो बहुत अच्छा होगा। मैंने सुना है कि उड़िया सिनेमा एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइव हो रहा है, और यहाँ पे सब्सिडी की भी बातें चल रही है जो आने वाले समय में हो जाएगी, ऐसी आशा है इन लोगों की। मैं गुजरात से हूँ, मैंने गुजराती सिनेमा किया है, एक फिल्म की है अब तक, वहाँ पे सब्सिडी भी मिलती है तो थोड़ा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप संभाल सकते हो, और साथ ही साथ आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे सकते हो क्योंकि आपको सब्सिडी की ये सहायता मिलती है। कल एक आप हार्ट फिट करने वाले हैं तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, यही श्री हरि कंस्ट्रक्शन की एक एड फिल्म हम लोग शूट करने जा रहे हैं कल, तो वो कल स्टूडियो में शूटिंग होगी और अच्छे से बनाएंगे और आप तक आपके सामने पेश करेंगे। सर, अगर आपको ऐसा ऑफर आए तो उड़िया फिल्म के बारे में तो आप करेंगे? मैं करना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है रीजनल सिनेमा की खासियत ये रहेगी कि रीजनल एक्टर्स जो अपनी मातृभाषा को जानते हो वो परफॉर्म करेंगे तो उसका मज़ा अलग ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगे कि नहीं, जैसे साउथ इंडियन फिल्म में बहुत सारे हिंदी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हो ही सकता है, और ज़रूर मुझे कोई ऑफर मिलेगी तो मैं आ जाऊँगा। आप तो उड़ीसा के चाहते हैं, आपके कबड्डी आज तक भूले नहीं है उड़िया जी, तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि आपका अगर ऑफर आया तो ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा, और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकूं जी। थैंक यू।